अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आई नो आई एम लिटिल लेट, लेकिन कोई बात नहीं, ये व्लॉग है ईद का प्लस ईद के पहले हज का व्लॉग। तो हमने हज के दिन रोज़ा रखा था, तो पापा ने स्पेशल हमारे लिए ये अफ्तारी बनाई थी और फिर रात के वक्त हम बाहर निकल गए थे क्योंकि मम्मा की थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी। तो अब हम बस वहीं जा रहे हैं। तो यहाँ आए हैं हम रिजान मॉल। मम्मा को अपनी लिए एक शर्ट देख रही थी, तो यहाँ से बस वही देख रहे हैं। लास्ट ही डे रह गया था, तो अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं लगी हुई थी, पुराने कपड़े लगे हुए थे, लेकिन फिर भी हम देख रहे थे अगर हमें कोई अच्छी शर्ट मिल जाती है तो। तो बस हम रजान मॉल से निकल आए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी तक बकरों का यहाँ रश लगा हुआ है और इस जगह पे बहुत ज़्यादा रश था। फिर हम आगे थे नवा पर, यहाँ से मुझे ऑब्वियसली इयरिंग्स वगैरह लेने थे एंड मेकअप थोड़ा प्रोडक्ट्स लेने थे, फिर अब मैं यहाँ से वो लूँगी। ओके, सो सारी शॉपिंग कम्प्लीट करने के बाद हम घर आ गए थे और मम्मा ने रात में ही शीर खुरमा बनाने के लिए रख दिया था। आई एम श्योर शीर खुरमे की रेसिपी पहले भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। एंड अगेन मेरी तरफ से आपको, आपके घर वालों को, सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए, आपके घरों को रहमतों और बरकतों से भर दे, आमीन सुम आमीन। तो अब है नेक्स्ट ईद का डे और यहाँ पे है कुर्बानी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर मम्मा बना रही हैं कलेजी। तो ये था डे फर्स्ट का आउटफिट जो कि मैंने तकरीबन 5 बजे के साथ पहना था, क्योंकि सुबह तो हमें तैयार होने का कोई फ़ायदा नहीं था, कुर्बानी वगैरह हुई थी तो चीज़ें वगैरह समेटनी थी। तो फिर मैंने पहले मेहंदी नहीं लगाई थी, ईद वाले दिन ही मेहंदी लगाई थी क्योंकि मुझे पता था मैंने तो फारिक होना है, मुझे तो कोई काम नहीं करना है। तो फिर मैंने ये इस वक्त मेहंदी लगाई थी। तो यहाँ पर हमारा कलेजी पे भरा तैयार हो रहा है जो कि बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो ये देखिए मैंने लगा लिया मेहंदी, मैंने सेम ब्रेड दूसरे हाथ पे भी लगाया हुआ था और बहुत प्यारा कलर आया था, और फ्रंट हाथ पे मैंने खुद डिज़ाइन बना दिया था। और अब हम हमारा लंच एंजॉय कर रहे हैं जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, और ये वो शीर खुरमा जो हमने कल रात को बनाया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय की होगी ईद, और ये हैं वो प्रोडक्ट्स कुछ जो मैंने बना से लेकर आई थी। मुझे यहाँ की क्वालिटी और चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, इसलिए आप मुझे अक्सर नोटिस करते होंगे कि मैं यहाँ से बहुत चीज़ें लेती हूँ। तो फिर शाम के वक्त पापा जब गोश्त बांटने गए थे तो फिर मम्मा ने शीर खुरमा भी बांटा था। और यहाँ मैं आपके साथ ईद डे वन के कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। सो डे वन इस तरह हमारा गुजर गया घर में ही, और ये सेकेंड डे है, सुबह पापा ने दम पक बनाया था और शाम के वक्त हमें ईरम आंटी की तरफ जाना था। तो तकरीबन 5:30 के वक्त हम घर से निकल आए थे और अब हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपका ईद का फर्स्ट डे कैसा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा गुजरा, माशाल्लाह से थोड़ा बिजी गुजरा ऑब्वियसली, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ से पीछे से गाड़ियाँ शुरू हो रही हैं और आगे जाके ये पेट्रोल पम्प है।
तो पापा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ईद से पहले ही भरवा लिया पेट्रोल पंप, क्योंकि ईद पे इन लोगों को बाहर ट्रैवल करना होता है ज़्यादातर, तो पेट्रोल पंप पे बहुत रश लगा देते हैं। और जैसे ही हम हीरा मांटी के घर आए, उन्होंने हमें जूस सर्व किया, तो मैं यहाँ पे वो पी रही हूँ। फिर हमने थोड़ी सी बातें वातें की, फिर उन्होंने खाना लगा दिया। खाने में उन्होंने पुलाव बना रखा था, टिक्कियाँ थी, साथ में सैलड था, माशाल्लाह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। और महफिल की शान थी, फलूदा बहुत ही मज़ेदार उन्होंने बनाई हुई थी। और यहाँ मैं ईमान के साथ खेल रही हूँ और उसको तंग कर रही थी। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू इन्जॉय द व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होगी। इंशाल्लाह ईद डे 3 का व्लॉग कल या परसों आ जाएगा, तब तक उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरी ये ईद की फर्स्ट सेकेंड डे की फोटोज़ इन्जॉय करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।